जिस काम में काम करने की हद पार न हो वो काम किसी काम का नहीं। ये कहानी आपको जीने की एक नई उम्मीद देगी, इसे पूरा जरूर देखना। इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन रहे संदीप सिंह को बचपन से हॉकी खेलने का शौक था और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पे इस शौक को पूरा भी किए। पर जब वो अपने जीवन का पहला वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे उस दौरान ट्रेन में एक भयानक आवाज होती है और कुछ देर बाद पता चलता कि एक ऑफिसर की गलती की वजह से संदीप सिंह के कमर में गोली लग चुका है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि इनके दोनों पैर में लकवा मार दिया है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब आप कभी चल नहीं सकते हैं। पर संदीप एक असली योद्धा थे, ये ऐसे अपनी हालातों से हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी इन्होंने अपने पैरों पे चलने का ठान लिए। ये बार बार अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करते थे पर हर एक बार गिरते थे, लेकिन इन्होंने कोशिश नहीं छोड़ा और कुछ समय बाद ये अपने पैरों पे खड़ा होके इंडिया के लिए दोबारा वर्ल्ड कप खेलने गए और उस वर्ल्ड कप में इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलवाए। इनके जीवन पे आधारित सुरमा मूवी भी बन चुका है, रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप लोग वो मूवी जरूर देखें। आज से अपने जीवन में एक नया शुरुआत कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके।